तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का नया पोर्शन। जो लोग इस सीरीज में नए हैं उनको आई वुड लाइक टू टेल समथिंग कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में गेट के लिए वी आर स्टार्टेड टॉस, और ये टॉस का थर्ड लेक्चर है जिसमें स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द कोर्स आउटलाइन। और नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया कि हमारे बेसिक्स कैसे कैसे हैं। लाइक अभी तक हमने ये देखा है व्हाट आर द टाइप ऑफ सपोर्ट्स, रिएक्शंस कौन कौन सी आती हैं, उसके बाद में हमने टाइप ऑफ लोडिंग देखा है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज जो हमें करना है, आज हमें फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ना है। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आएगा तो हमारे आगे का काम थोड़ा और ईजी हो जाएगा। जो जो इस सीरीज़ में नए आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ दैट आई एम टीचिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कि अभी इंडिया में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, आई विल टेल यू आप किस तरीके से हाईली क्वालिफाइड एडुकेटर से पढ़ सकते हैं और आगे का प्रोसेस क्या है, आई विल टेल यू। हम लोग टॉस भी स्टार्ट करेंगे, बट जो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट अन अकेडमी स्टूडियो ब्रिज। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और हम लोग पढ़ रहे हैं अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिजेस पे। दिस इज समथिंग अबाउट मी फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, ये दिस इज अ ब्रीफ अबाउट माय प्रोफाइल। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और मैं आगे भी उनको मेंटर करता रहूँगा। आई हैव क्वालिफाइड गेट विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165, और इसी के लिए मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई थी इन माई लेक्चर कि आपको आप किस तरीके से लास्ट 60 डेज को यूटिलाइज करके गेट में कुछ ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने एक एक बार आपके सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हों तो आपको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, ये हमने देखा था। और मैं आई हैव वर्कड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवेज, आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेवरल एग्जामिनेशन लाइक बार्क, इसरो, गेट, आई हैव क्वालिफाइड DRDO ऑल्सो। सो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी एंड नेक्स्ट आई हैव, और मेरी तरीके से कई सारे एडुकेटर्स हैं जो कि आपको अन अकेडमी पर लाइव पढ़ाते हैं, ये सारे गेट एडुकेटर्स हैं, आप इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड एडुकेटर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे एडुकेटर्स हैं जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस पर पढ़ाते हैं और आपको आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को एक साथ मेंटर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अगर आप जैसे ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आई विल टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्राई एंड इम्प्रूव योर एटीट्यूड एंड ऑल। हमारे पास यहाँ पे अन अकेडमी के प्लस के कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। कुछ फ्री वीडियोस का मतलब क्या, कुछ सैम्पल वीडियोस हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इन सैम्पल वीडियोस को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपकी पढ़ाई सही से हो रही है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं सैम्पल वीडियोस को आपको फुल वर्जन डाउनलोड कर लेना है। फुल वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा, एनरोल और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब सब्सक्राइब कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा अभी। तो नेक्स्ट, कई सारे एडुकेटर्स हैं जो कि जिनके सेशंस आपको कुछ फ्री वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे, जिन्हें हम सैम्पल वीडियोस भी कहते हैं, उन सैम्पल वीडियोस को देख के आप जज कर सकते हैं और आपको अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाया जाता है बड़ा फीस लेके, वही यहाँ पे कोई भी एडुकेटर आपको पढ़ा रहा है, वही सेम पढ़ाई है जो कि बाहर होती है। देख, इसमें सबसे ईजी ये है कि आपको फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल स्केड्यूल, आपके अकॉर्डिंग आप स्केड्यूल कर लें। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अभी तो आप ना पढ़ें, जब पढ़ने का मन कर रहा है तब पढ़ें। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई रात में होती है, आई एम ए नाउट नाइट आउल। अगर आप नाइट आउल भी हैं तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग में जाने से क्या होगा, एक फिक्स टाइम हो जाता है। बट यहाँ क्या है, आप रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, कभी पढ़ें, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो तब आप पढ़ाई करें, तो ऐसे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, यू कैन सेलेक्ट आइदर इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और देर इज अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइडेड कि आपने लाइव सेशन्स मिस ना किए हों। आपको लाइव सेशन मिस नहीं करना है, पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए
कि आपसे लाइव सेशन मिस ना हो, बट स्टिल इफ यू मिस लाइव सेशन द व्हाट यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के भी आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, सब्जेक्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं. आपको ये भी बताते हैं कि सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअल में अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता, और है तो आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है. नेक्स्ट स्टेप, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कंप्यूटर के सामने पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. लाइव सेशन में आपको कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन जस्ट टाइप योर डाउट और आप वहाँ पे लिख दें, हमको या कोई भी एडुकेटर जो है उन्हें दिखाई दे जाएगा कि हाँ आपको कुछ डाउट आया, वो उस डाउट को उसी टाइम क्लैरिफाई करेंगे, उसी टाइम पे क्लैरिफाई होगा. आप उसी टाइम पे यू कैन चैट विद द एडुकेटर, यू कैन चैट लाइव विद द एडुकेटर, और देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इंटरेक्टिव पोल्स. और दूसरा ये भी है, और इसमें ये भी होगा, आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स तो है ये, साथ में यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर. जैसे मैंने एक स्लाइड पहले बताया था कि आप इफ इवन इफ यू आर ए नाइट आउल, आपको रात को जगने की आदत है, रात को पढ़ने की आदत है, तो आप रात को भी पढ़ सकते हैं. जैसा आपका अवेलेबिलिटी है, जैसा आपका कंफर्ट लेवल है, व्हाट यू नीड इज एन बेसिक इंटरनेट कनेक्शन और एक कोई सा भी स्मार्टफोन प्लस, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, स्मार्टफोन कैसा भी स्मार्टफोन. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जस्ट एक स्मार्टफोन होना चाहिए और साथ में एक इंटरनेट कनेक्शन हो, तो आप कैसा भी लेक्चर आराम से देख सकते हैं. आपको हाँ, अब आपको क्या करना है, आप जब लेक्चर देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना है, सो दैट यू गेट द रियल फील ऑफ अ क्लास, कि क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं. जो जो एडुकेटर यहाँ पे लिखता जाएगा आपको वो चीज़ें लिखती जानी है. ओके, वो सारी चीज़ें आपको लिखते जाना है, पेन डाउन करते जाना है. नेक्स्ट, आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. वी हैव प्लान्स फॉर 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month. अलग अलग प्लान्स हैं, ये उनका प्राइस है. पर्सनली आई विल रिकमेंड कि यू गो फॉर आइदर दिस 12 month प्लान और यू गो फॉर 21 month प्लान. 12 और 24 month प्लान के लिए हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज लुक, यू आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, और गेट एग्जामिनेशन का कोर्स बहुत वाइड है, कोर्स इज़ वेरी वाइड. तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपने 3 month का कोर्स लिया है तो 3 month के कोर्स में क्या होता है, आप कोर्स खुद से तो पढ़ लोगे बट अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप डाउट क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे. 3 month या 6 month में आप, हो सकता है आप पढ़ाई तो सारी कर लोगे, पढ़ाई आपकी सारी हो जाएगी, बट हो सकता है कि वो आपका डाउट क्लैरिफाई ना हो पाए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग, मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप 12 month या 24 month का कोर्स लें. अगर ये वाला कोर्स लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, प्लस इसमें कॉस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फीस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. और आपको यही फीस कम करना है तो यूज़ माई कोड रुचिन लाइव, और इसमें आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है. सो यू यूज़ माई कोड ऑन अनअकैडमी प्लस और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. सेम हियर, इवन इफ यू गो फॉर 24 month प्लान, एट द टाइम ऑफ पेमेंट यूज़ माई प्रोमो कोड रुचिन लाइव, और रुचिन लाइव यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपका ओवरऑल फीस पे. ये बहुत ही नॉमिनल सा फीस है, 21,000, वेरी नॉमिनल फीस, जो कि जस्ट आपका करियर बनाने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन चार्ज करेगा. तो ये कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है आपके करियर के सामने, दिस फीस इज नथिंग. आपको बस पढ़ाई करनी है, जस्ट पढ़ाई करनी है. नेक्स्ट, अब आप जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि इसमें कैसे एनरोल करेंगे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है. आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर ऑन योर फोन. प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च टैब पे आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू टैप द इंस्टॉल बटन. जैसे आप इंस्टॉल दबाएंगे ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, और इसमें यू चूज योर गोल, आपको गोल सेलेक्ट करना है. इफ़ योर गोल इज गेट देन सेलेक्ट गेट, एनी अदर एग्जामिनेशन, रेलवे, जीमैट, कोई सा भी आप एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है उस एग्जामिनेशन का आपको गोल सेलेक्ट करना है. जैसे आपने गोल सेलेक्ट कर लिया, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग इवन साइमल्टेनियस गोल्स,
आप ये के साथ कई सारे प्लान्स ले सकते हैं, वो प्लान्स ले लिया आपने, उसके बाद में आपका वर्जन कौन सा है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कौन सा प्लान है वो प्लान आप सेलेक्ट करें। लाइक इफ़ यू आर सेलेक्टेड 24 मंथ प्लान, तो 24 मंथ प्लान के बाद में दिस विल बी कन्फर्म डिटेल्स, डिटेल्स पेज है, हियर यू विल यूज माई कोड रुचिन लाइव, और रुचिन लाइव यूज करते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते ही हमारा क्या है, आपका ये कुछ फी है जिसको जैसे आप पे करेंगे विल बी डायरेक्टली ऑन आवर पेज, जहाँ पे आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऑन अ वेरी फर्स्ट बेसिस। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाना है, बहुत आसानी से पढ़ाई होगी। सो विल स्टार्ट विथ, हमारा अभी चल रहा है मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल में हमें क्या पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन एंड डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसमें डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी आपके नेक्स्ट डे पर स्केड्यूल्ड है, आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हमारा आएगा, जैसे अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले के 2 लेक्चर्स देखें, आपको पता पड़ेगा कि कोर्स आउटलाइन क्या रहा है हमारा, किस किस टॉपिक को हम कितना वेटेज देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट वाले लेक्चर में पता पड़ती है। तो आप एक बार पहले वाले लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देख लिया, प्लस हमने देखा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोडिंग्स, प्लस हमने ये भी देखा है यहाँ पे थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम। आज हम क्या करेंगे, आज हम फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। आज के लेक्चर में भी आपका जस्ट वी विल बी स्टडिंग ओनली फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कैसा रहेगा। ओके, जैसे दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहाँ पे कुछ 10 kN का लोड लग रहा है। ओके, 10 kN, या फिर ऐसा करते हैं इसको हटा के कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ पी किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ओके, दिस इज समथिंग पी किलो न्यूटन, ये L/2 पे, और यहाँ पे भी L/2 पे लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है। अब दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ए सी बी। अब सिंस दिस इज अ पिन सपोर्ट, यहाँ पे हमारे पास एक आर ए आएगा और एक एच ए, और यहाँ पे क्या आएगा, आर बी, ये सपोर्ट्स आ गए, सपोर्ट रिएक्शंस आर ए एच ए आर बी। अभी नहीं पता क्या आ रहा होगा, हम जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, आपको आपका पेन कॉपी लेना है और फिर पढ़ते जाना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है आर ए, और यहाँ पे आ रहा है एच ए। अब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड में कुछ आ रहे और यहाँ पे कुछ एच ए, तो ये मेरा सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। अब नेक्स्ट इस बीम पे आते हैं, तो इस बीम में क्या है, अगर मेरा आर ए यहाँ पे नीचे लग रहा था तो यहाँ पे मेरा आर ए कैसा लगेगा, ऊपर की साइड में लगेगा, और मेरा पी कैसा लग रहा है, नीचे की साइड में लग रहा है। तो ये आर ए और ये पी, अगर मेरा एच ए लेफ्ट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एच ए कैसा आएगा, राइट डायरेक्शन में, बहुत इजी, ताकि ये मेरा वापस इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लास्ट लेक्चर देखो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे आर ए ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे आर ए कैसा लगना चाहिए, इस तरीके से, बहुत इजी। अब आर ए इक्वल टू माइनस आर बी आ रहा है ना, यहाँ पे आर ए इक्वल टू माइनस आर बी, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट है। अब हम इसमें ये भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसी पार्ट को, सिर्फ इतने से पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे और बना रहा हूँ,
अब यहाँ पे देखना, हम लोग क्या करते हैं, मान लो पी का वैल्यू थोड़ा बड़ा है आर ए से, तो ये नीचे की डायरेक्शन में कितना आएगा, पी माइनस आर ए, दिस विल बी पी माइनस आर ए, और यहाँ पे क्या लगेगा, एच ए, पी माइनस आर ए और यहाँ पे एच ए। अब अगर यहाँ पे पी माइनस आर ए है तो यहाँ क्या आना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, पी माइनस आर ए। ओके, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो कुछ आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो इस केस में हमारे पास क्या इक्वेशन आती है इसको देखते हुए, पी माइनस आर ए और आर बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी पी माइनस आर ए किसके बराबर हो गया है, आर बी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे पी माइनस आर ए इक्वल टू आर पी, तो दिस इज पी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, पी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एफ वाई इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एच ए का वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो एच ए इक्वल टू जीरो। एच ए इक्वल टू जीरो क्या बताता है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमारा अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, बट आपने अभी तक क्या देखा है, ये हमारा हो गया है फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, हमें यही सीखना है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस एक एग्जाम्पल में जैसे आई विल टेक अ बिट टिपिकल एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ पी लोड है और सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो यहाँ क्या क्या आएगा, आर ए एच ए और आर डी एच डी। अभी आपको डायरेक्शन नहीं भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा भी स्ट्रक्चर दे रखा हो, हमारा टास्क अभी है कि हमें सारे फोर्सेस को अलग अलग बनाना है, बाकी कोई टास्क नहीं है। दिस पॉइंट सी, दिस इज अ रिजिड पॉइंट, दिस इज अ रिजिड जॉइंट, ओके, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। P, A, B, C, and D, R, H, reaction at D, and horizontal reaction at D. Okay, अब हम बनाते हैं free body diagram. तो सबसे पहला free body diagram बनेगा AB का, next free body diagram बनेगा BC का, और थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा सीडी का। ओके, अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एबी। अब एबी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारा लग रहा है आर ए और यहाँ पे कितना लग रहा है एच ए। तो यहाँ पे कितना लगना चाहिए, आर ए और इस डायरेक्शन में एच ए, सिंपल सा। यह हमारा हो गया एबी का फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे मुझे अगर बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो BC का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, अब BC बनाओ, दिस इज A और ये पॉइंट हमारा B है, ऐसे ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर HA मेरा इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे HA कैसे लगेगा, आपके राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे HA ऐसा है, और यहाँ पे देखना है मेरा जो P फोर्स है वो भी राइट डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा HA प्लस P। तो सेम यहाँ पे कितना आना चाहिए, एच ए प्लस पी। अगर आर ए नीचे के डायरेक्शन में है और यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे आर ए कैसा आएगा, ऊपर आ जाएगा, और सेम यहाँ पे आर ए कुछ ऐसे, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब उसके बाद में बिकॉज सी इज अ रिजिड जॉइंट, सी हमारा रिजिड जॉइंट है, तो यहाँ पे कुछ एक मोमेंटेड सी भी आ जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इट डजेंट मैटर, आपको बस ये बताना है कि कुछ मोमेंट भी आ जाएगा। अब जैसे एक मोमेंट आ गया, नेक्स्ट हम बनाते हैं सी डी के लिए। सी डी में क्या लगेगा, अगर यहाँ पे आर ए नीचे की डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट सी पे और डी पे, सी पे हमारा क्या आएगा, आर ए ऊपर के डायरेक्शन में, ओके,
एच ए प्लस पी, अगर एच ए प्लस पी हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एच ए प्लस पी कैसा आएगा, राइट डायरेक्शन में, वेरी गुड, एच ए प्लस पी राइट डायरेक्शन में, एच ए प्लस पी अगर राइट डायरेक्शन में आया है तो यहाँ पे मोमेंटेड सी कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मोमेंटेड सी कैसा रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि वापस मैनेज हो जाए। अब आर डी कैसा आ रहा है, अगर यहाँ पे आर ए है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर ए, इसको बैलेंस करना है, अगर आर ए यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आर ए आना चाहिए, एच ए प्लस पी ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे एच ए प्लस पी आना चाहिए, बाकी और कोई रिएक्शन आएगा नहीं बिकॉज दिस इज ए हिंज जॉइंट, तो कोई और रिएक्शन नहीं आएगा। अब यहाँ से देख के क्या लगता है, एच ए प्लस पी किसके बराबर है, एच डी के, बिकॉज सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच ए प्लस पी इक्वल टू एच डी। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, आर ए किसके बराबर है, माइनस आर डी के, बिकॉज हमने इसको ऊपर माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर ए इक्वल टू माइनस आर डी, यानी आर ए प्लस आर डी इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा ट्रू है। आर ए प्लस आर डी इक्वल टू जीरो कैसे हो रहा है, यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में आर डी, और वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ है नहीं, तो यहाँ पे जीरो, ये हमारा हो गया समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एच ए प्लस पी इक्वल टू एच डी का मतलब क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मेरा फोर्स क्या है, एच ए राइट डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में पी भी है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, एच डी है, जो कि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एच ए प्लस पी इक्वल टू एच डी के बराबर, इसको दिस इज समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और ये समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा हुआ है थोड़ा थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए आपको घर के लिए ट्राई करना है, फॉर होम यू हैव टू ट्राई, टेक इट फर्स्ट, दिस इज अ हिंज, इंटरनल हिंज, सेकेंड हम लोग आते हैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, दिस इज इंटरनल हिंज और ये भी इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। थर्ड आपको बनाना है इस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे P लग रहा है, इस जगह पे P है, दिस इज A B एंड C, इन सभी के लिए आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हर लेक्चर में जितना जितना होता जाए अब उतना करते जाओ, आपका 100% बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये हमारा बहुत बेसिक है, बिना बेसिक किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो ये बेसिक समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट हमारा आएंगे रिएक्शंस कैलकुलेट करने पे। जो हम यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहे थे ना, यहाँ पे कुछ आ रहे, यहाँ पे एच है, अब हम नेक्स्ट जो आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में उससे हमारा ये आएगा कि हम रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, वो हमारा बेसिक्स का लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, सो आप इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, कुछ भी डाउट आता है तो आई एम देयर विथ यू, आस्क योर डाउट, सबको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन पूछें, छोड़ना नहीं है पढ़ाई को, बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस वाले पार्ट को पहले लूँगा, इस एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा ताकि आपको पता पड़ जाएगा कैसे करना है, और ये दोनों आप लोगों की एक्सरसाइज है, सेकेंड और थर्ड आप लोगों को एक्सरसाइज करना है इसको। टिल देन विल मीट एट 6:30 PM, ऑल द बेस्ट, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, this is Ruchin Tejawat signing out, bye bye.